हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास, शिक्षा हॉस्टल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग एक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं तो आप सभी को ज्ञात है कि भारतीय संविधान के एमसीक्यूज के हम श्रृंखला को शुरू कर चुके हैं और उसी श्रृंखला का यह चौथा वीडियो है। तीन वीडियो अपलोड कर चुके हैं और जिन मित्रों ने अभी तक वो तीन वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया आप वो तीन वीडियो को देख लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से पुख्ता कर दीजिए। ये चौथा जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है, भारतीय संविधान के भाग एक के से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग शिक्षा ऑप्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा ऑप्शन पर हम UPSC, MPPSC, SSC, बैंक, रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम होती हैं, उन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपके इस यूट्यूब चैनल पर हम करवाते हैं। तो आप सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इसका लाभ अनेक लोग ले सकें और हमारे प्रयास जो हैं, हम जो कर रहे हैं, उन प्रयासों में हम सफल हो सकें और हमारे प्रयास आप लोगों के काम आ सके। इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे फेसबुक पेज शिक्षा ऑप्शन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल शिक्षा ऑप्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और शिक्षा ऑप्शन का जो ब्लॉग है उसको आप विजिट कीजिए। दोस्तों, अब आप सभी की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, और इस वीडियो को हम शुरू कर ही रहे हैं। अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर, मेन टॉपिक पर अब आ गए हैं। अब क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। लास्ट समय का इंतज़ार मत कीजिए कि वीडियो ख़त्म होने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, नहीं, आप पहले ही लाइक और शेयर कर दीजिए। अब देखो, पहला प्रश्न ये है कि भारत में इस समय शामिल हैं, यानी भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में शामिल हैं। यानी आपको पता है दोस्तों कि भारत में अनेकों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर आपके काई का निर्माण हुआ है, आपके संघ का निर्माण हुआ है। ठीक है, किसका निर्माण? संघ का निर्माण हुआ है। अब इस संघ में अनेकों राज्य और अनेकों केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। तो प्रश्न क्या है कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्या 25 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्या 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्या 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं? या 21 राज्य और 11 केंद्र शासित प्रदेश हैं? आखिर कितने आपके राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान के भारत के संघ में शामिल हैं? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी वाला, यानी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान के संघ में शामिल हैं। तो पहले का आंसर हो गया दोस्तों सी वाला, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में राज्यों को चार अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसके अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? दोस्तों, जब हमारे राज्यों का गठन किया जा रहा था, तब राज्यों को चार अलग अलग पार्ट में विभाजित किया जा रहा था और वह थे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ये अलग अलग आपके पार्ट हुआ करते थे दोस्तों, इन पार्टों में यह विभाजित था। तो अब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और इन राज्य पुनर्गठन आयोग ने इन सारे भागों को समाप्त कर दिया, इन सारे प्रवर्गों को समाप्त कर दिया। तो अब प्रश्न क्या है कि उस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्या वह फजल अली थे? क्या KM पर्णिकर थे? क्या HN कंजरू थे? या P श्री राम मल्लू थे? इन चारों में से वह शख्स कौन था जो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था? तो दोस्तों, राइट आंसर है आपके फजल अली। फजल अली ही आपके राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे दोस्तों, क्लियर। तो दूसरे का आंसर हो गया ए वाला। चले जाए, अब उसी प्रकार से हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं और हमारा जो तीसरा प्रश्न है, वह तीसरा प्रश्न आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और वह तीसरा प्रश्न कहता है कि संविधान के प्रवर्तन के समय, यानी संविधान के निर्माण के समय, राज्यों को चार श्रेणी, जैसे कि अभी बात करी थी ना दोस्तों, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, है ना, तो राज्यों की चार श्रेणियां
अ ब स द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया? जैसे कि पिछले क्वेश्चन से हमें क्या ज्ञात हुआ था कि राज्यों की जो कैटेगरी थी, जो श्रेणियां थी, उसको राज्य पुनर्गठन आयोग ने समाप्त कर दिया था। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि कब समाप्त किया गया, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग ने इनकी कैटेगरियों को कब समाप्त किया। चार ईयर दिए हुए हैं दोस्तों, क्या वे 1951 में समाप्त कर चुके थे, क्या 54 में, या 56 में, या 62 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है 1956 में। 1956 में इसको समाप्त किया गया था। क्लियर? तो 51 नहीं है, 54 भी नहीं है, 62 भी नहीं है, राइट आंसर है 1956। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर यहाँ तक कोई भी डाउट आपका होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित पॉलिटी का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, और जिन छात्रों ने वह वीडियो नहीं देखा है वह वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद एमसीक्यूज़ को आप लगाओगे और इन वीडियो को आप देखोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। चले जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं दोस्तों। ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कह रहा है कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होती है। अब सुनेंगे दोस्तों आप सभी लोग ध्यानपूर्वक कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, कि राज्यों का पुनर्गठन संबंधी विधेयक होता क्या है। दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन संबंधी विधेयक का मतलब होता है कि राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, राज्य के नाम में परिवर्तन करना, राज्य के दो टुकड़े कर नए राज्य का निर्माण करना, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण करना, ये सभी कार्य होते हैं राज्य पुनर्गठन संबंधी विधेयक में। अब क्या कहा जा रहा है कि संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक होती है, यानी इससे संबंधित विधेयक कहाँ आता है, संसद में आता है, पर उससे पूर्व उसकी अनुमति लेनी है। अब अनुमति कौन देगा? तो दोस्तों संबंधित राज्य के विधानमंडल, संबंधित राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यसभा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक हो जाती है दोस्तों। चले जी, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत, ठीक है, प्रश्न आर्टिकल से आया है दोस्तों, आर्टिकल पहले से आया है, ठीक है। और भाग 1 को जब हमने वीडियो में चर्चा की थी दोस्तों, तो आर्टिकल 1, 2, 3 और 4, इन चारों आर्टिकल्स को हमने अच्छे से पढ़ा था, आप सबको ज्ञात भी है दोस्तों। और जिन मेरे मित्रों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, या किसी कारणवश से वो नहीं देख पाए हैं, या जो मित्र मेरे साथ नए जुड़े हैं, तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था की प्लेलिस्ट की पूरी लिंक आपको वहाँ पर मौजूद है। आप उस लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं पॉलिटी के, जिसमें राज्य पुनर्गठन तथा भाग 1 का भी वीडियो अपलोड है। उस वीडियो को आप देखिए और समस्त जानकारी पूरी डिटेल में लीजिए दोस्तों। तो आप अनुच्छेद 1 में ये घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत किसका संघ है, राज्यों का संघ है, कि एकात्मक विशेषता वालों वाला संघीय राज्य है, या संघीय विशेषताओं वाला संघीय राज्य है, या संघीय राज्य है। तो इन चार ऑप्शन में से पहला जो इसका ऑप्शन है वह ऑप्शन इसका राइट है, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या है, संघ है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ए वाला, राज्यों का संघ है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। चले जी, अब जरा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 हमें यह कहता है, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। अगर आप यह वीडियो ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो प्रश्न नंबर 3 में हम इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं,
ठीक है। अगर आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करने में शर्माइए मत, आप लोगों को वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और जब मैं कहूँ कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए तो आपको आंसर भी देना, चाहे गलत हो पर आपको देना अनिवार्य है। प्रश्न क्या है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? क्या वे अधिकार प्रधानमंत्री को है, क्या वे अधिकार मंत्रिमंडल को है, क्या वे अधिकार राष्ट्रपति को है, क्या ये वे अधिकार संसद को है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संसद, यानी वह अधिकार किसको है, संसद को है। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, भारतीय संसद। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट? छठे का आंसर हो गया डी वाला। चले जी, अब जरा सातवें प्रश्न पर आते हैं। सातवां प्रश्न हमें क्या कहता है, सातवां प्रश्न कहता है, ध्यानपूर्वक आप प्रश्न को सुनिएगा और प्रश्न को पढ़िएगा। सातवां प्रश्न कहता है सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन। देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। ठीक है, कब, 1953। देखो प्रश्न से हमें दो उत्तर मिल रहे हैं, पहला क्या कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर राज्य कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था। कब बना था, तो 1953 में बना था। ठीक है, अब प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व यहाँ एक आंदोलन हुआ था, यानी भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन किया गया था। ठीक है, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों चार ऑप्शन हैं, जिसमें से तीन ऑप्शन में व्यक्ति का नाम है और एक उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आपको मैं इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भारत में राज्यों का निर्माण किया जा रहा था तब अनेकों भागों में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठती आई थी और भारत सरकार नहीं चाहती थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो, किंतु दक्षिण भारत में आंदोलन छिड़ गया और इस आंदोलन के तहत एक व्यक्ति ने भूख हड़ताल अनशन पर बैठ गया। परिणाम स्वरूप अनशन करते करते उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो वह आंदोलन हिंसक हो गया। उस हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार को मजबूरन भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का स्थापना करनी पड़ी। अब वह व्यक्ति कौन था, क्या उन व्यक्ति का नाम जागीर श्री राममल्लू था, आदित्य श्री राममल्लू या पोती श्री राममल्लू? दोस्तों इसका राइट आंसर है सी वाला, पोती श्री राममल्लू वह व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो गई थी इस आंदोलन के तहत। तो सातवें का राइट आंसर है सी वाला। क्लियर, चले जी अब जरा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर आठवें पर आते हैं। प्रश्न नंबर आठवां कहीं ना कहीं प्रश्न नंबर पहले से हूबहू मेल खाता हुआ दिखाई दे रहा है, बस घुमा फिरा के उस प्रश्न को वापस से पूछ लिया गया है। बाकी आप देख रहे हैं कि उस प्रश्न का उत्तर वैसा ही है जैसा प्रश्न नंबर पहले का था। प्रश्न क्या है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, क्या 24-8 है, 25-8 है, 28-9 है या 26-8 है? तो दोस्तों आप सबको पता है कि राइट आंसर 28-9 है। ठीक है, 28 आपके क्या है, राज्य है, और 9 आपके क्या है, यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है। क्लियर दोस्तों, तो आठवें का आंसर हो गया सी वाला। चले जाए अब नवे प्रश्न पर आ जाते हैं। नवा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य का क्षेत्र, कौन राज्य का क्षेत्र घटा और बढ़ा सकता है? अगर आपने प्रश्न नंबर तीसरा ध्यानपूर्वक से सुना है, समझा है, तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राज्य पुनर्गठन संबंधित विधेयक में किसी भी राज्य का नाम बदलना, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, नए राज्य का निर्माण करना, दो राज्यों से मिलकर एक राज्य बनाना, एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बनाना, ये सभी कार्य भारतीय संसद करती हैं। तो आप खुद सोचिए दोस्तों कि प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति, संसद, राज्य व्यवस्था या क्षेत्रीय परिषद? तो राइट आंसर होने वाला है इसका
संसद यानी आपके राज्य का क्षेत्र घटा और बढ़ाने का कार्य भारतीय संसद करती हैं। राइट आंसर इसका बी वाला है। चले जी, अब जरा 10वें प्रश्न पर आते हैं। और 10वां प्रश्न हमें ये बताता है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। इससे 2 प्रश्न पहले ही इसका आंसर मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू निकाल कर बताया था। और आप सबको पता है उसका राइट आंसर 1953 है। याद है ना दोस्तों, आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर हुआ था और पहला राज्य था भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश, और जिसका गठन किया गया था 1953 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 1953। क्लियर। चले जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कहता है कि भारतीय संसद में, भारतीय संघ में, प्रश्न दोस्तों ये है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। यानी भारतीय संघ क्या है दोस्तों, भारतीय संघ की बात करें जहाँ पर संघ शब्द आता है, ठीक है, वहाँ पर आप 28+9 लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, इसे संघ कहते हैं। तो प्रश्न क्या है कि संघ में यानी नए राज्य को बनाने का कार्य किसके पास है। क्या वह कार्य राष्ट्रपति के पास है, क्या वह कार्य प्रधानमंत्री के पास है, क्या वह कार्य संसद के पास है, क्या वह कार्य लोकसभा अध्यक्ष के पास है। तो दोस्तों इस प्रश्न को पुनः पढ़ते हैं और इसका उत्तर देखें। तो प्रश्न ये कहता है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। तो दोस्तों वह राइट आंसर है आपका संसद, यानी सी वाला इसका राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। अधिक जानकारी के लिए आप पॉलिटिक का वीडियो देख सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल में सारी चीज कंसेप्ट के साथ समझाई हुई है, जहां पर आप आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को आप आसानी से समझ सकते हैं। चले जी, अब जरा अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न यानी 12वां प्रश्न कहता, भारत एक है, भारत एक है संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, या एक राज्य इकाई। दोस्तों अभी जो मैं आप सबको क्वेश्चन जो डिस्कस करवा रहा हूँ, यानी ये एमसीक्यूज जो मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ, ठीक है, वो एमसीक्यूज आपके परीक्षा में संभावित रूप से आ सकते हैं। और कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं दोस्तों जो पिछली परीक्षा में आ चुके हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चन को और मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो को हल्के में मत लीजिए। आप मेरे द्वारा बनाए जा रहे जितने भी वीडियो हैं उनको ध्यानपूर्वक और पूरा देखा करो और ध्यान से उसके नोट्स भी बनाया करो, क्योंकि वह आपके एग्जाम में, आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। ठीक, तो ये 12वां जो प्रश्न है, यह प्रश्न भी मैं दुआ करता हूं कि ये आपके परीक्षा में आए और आसानी से आप इसका उत्तर लगा सके। तो प्रश्न क्या है, भारत एक है संघ राज, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, या एक राज्य इकाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है राज्यों का संघ। भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। किसके अनुसार, आर्टिकल 1 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। चले से अब 13वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 13वां प्रश्न कहता है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। दोस्तों मैं आप सबके सामने डिफरेंट क्वेश्चन के टाइप्स को लेके आ रहा हूँ, ठीक है, यानी आप देख रहे हैं कि आंसर वही है लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये प्रश्न तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। दोस्तों कंसेप्ट पर फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर एक ही है, क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है।
तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों के एक संघ के रूप में वर्णित करता है, राज्यमंडल के रूप में वर्णित नहीं करता, महासंघ के रूप में वर्णित नहीं करता, किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के एक संघ के रूप में भारत वर्णित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी वाला। ठीक है, तो 13वें का राइट आंसर है बी वाला। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चले जी, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? प्रश्न बहुत बेसिक है दोस्तों, बहुत सी बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा भी गया है, और आप में से अधिकांश स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस प्रश्न का उत्तर पता है। तो जिन छात्रों को इस प्रश्न का उत्तर पता है, मैं उन छात्रों को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप सभी लोग 10 सेकंड के भीतर भीतर कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो प्रश्न क्या है, 500 से अधिक रजवाड़ों को भारत में विलय करने के लिए उत्तरदायी कौन था? क्या वे के एम मुंशी थे, क्या वे बी आर अम्बेडकर थे, क्या वे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्या वे सरदार बलदेव सिंह थे? तो दोस्तों इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से अधिक रजवाड़ों को भारत में मिलाने का कार्य किया था, इसलिए इनको भारत का एक सूत्रधार पुरुष या भारत का आयरन मैन के नाम से इनको जाना जाता, लौह पुरुष के नाम से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इन्होंने 500 से अधिक रजवाड़ों को, रियासतों को भारत में मिलाया था। वर्तमान में आप भारत का जो नक्शा देखते हैं, वह नक्शा जो है, जो पूर्ण रूप से जो बना हुआ सुंदर सा जो नक्शा बना हुआ, वह कहीं ना कहीं अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही बना हुआ है। चले जी, अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। भारत संघ में कितने राज्य हैं? इसको भी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सबको पता है 28 इसके राज्य हैं, और राइट आंसर 28 है। चल अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, जेवीपी समिति का गठन कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, जेवीपी समिति की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसकी गठन तो 1949 में हुई थी। जेवीपी समिति होती क्या है वो बता देता हूँ। भाषाई आधार पर जब राज्यों की मांग उठने लगी थी, तब कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने आपके एक समिति का गठन किया था, और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के द्वारा जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया, इन तीनों के अध्यक्षता के रूप में एक समिति का गठन किया, जिसे जेवीपी समिति का नाम से भी जाना जाता है। अगर जेवीपी में जे का मतलब देखो तो जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब देखें तो वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब देखेंगे तो पट्टाभि सीतारमैया, और इसका गठन हुआ था 1949 में, 1949 में। चले चलिए अब नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, धर आयोग का गठन। ये भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठती थी, तब संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इस मांग का औचित्य का परीक्षण करने के लिए पूर्व न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, और उस आयोग के अध्यक्ष थे आपके एसके धर। ठीक है, तो उसे धर आयोग कहा गया। अब प्रश्न क्या है कि उस एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर है दोस्तों 1948 में एसके धर का गठन किया गया था। चले जी, अब उसके बाद आर्टिकल 18, भारत अर्थात इंडिया शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? मैं इस वीडियो में क्वेश्चन में भी इसके बारे में बता चुका था, अगर आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इसका आंसर पता है, और इसका राइट आंसर है दोस्तों आर्टिकल एक में ही कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, यानी आर्टिकल एक में ही भारत का नामांकन के बारे में बताया गया है। चल अब 19वें क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नए राज्य का संघ में प्रवेश किस अनुच्छेद के तहत संभव है? ठीक है, संघ जैसे कि मैंने आपको बताया था, संघ जहां जहां आए, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा?
आपके 28 प्लस 9 से होगा, यानी 28 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश। इसमें अगर एक नया राज्य शामिल होता है तो वह किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो वह आर्टिकल 2 के तहत होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला, आर्टिकल 2। चलिए अब 20वें क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, और इस वीडियो का और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस टॉपिक का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। आपको इस वीडियो के माध्यम से ये तो पता चल ही गया है कि, और इस क्वेश्चन से भी पता चल गया आपको कि किसी राज्य का नाम परिवर्तन भारतीय संसद कर सकती है। प्रश्न क्या है कि किस आर्टिकल के तहत, क्या वह आर्टिकल 5 है, क्या आर्टिकल 6 है, क्या आर्टिकल 3 है, क्या आर्टिकल 4 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 के तहत आपके परिवर्तन कर सकती हैं। क्लियर दोस्तों। चले जे इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 क्वेश्चन के माध्यम से भाग एक तथा राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित सारे प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर दी है। किस प्रकार के घुमा फिरा के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं वह प्रश्नों के बारे में भी हमने बात कर दी है, उनके उत्तरों के बारे में भी हमने चर्चा कर दी है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को समाप्त करने से पूर्व मेरे द्वारा जो ये प्रयास किया गया है दोस्तों, अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप इस प्रयास को लाइक कीजिए, हमारे इस प्रयास को सराहने के लिए आप इस प्रयास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्रयास आपको लगातार चाहिए तो आप हमारे शिक्षा ओशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।